एवरीवन, वेलकम बैक टू हम दो हमारी चार व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सो आज जो है ना, मैं आप लोगों को पूरा स्की दुबई जो है ज़बरदस्त तरीके से घुमाने वाली हूँ। जब मेरी नंद आई थी ना, तब हम आए थे स्की दुबई, लेकिन उसकी एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ। तो ये स्की दुबई जो है, ये मॉल ऑफ द एमिरेट्स में है, वन ऑफ़ द लार्जेस्ट मॉल इन यूएई। और यहाँ पे ना देखिए, मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट बुक कर रहे हैं, पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करके आए थे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों से कि ऑनलाइन बुक करके आएँ, तो उसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं स्नो पार्क, स्नो डे कैश इन, स्नो प्रीमियम। तो ऑनलाइन बुक करने में फ़ायदा ये रहता है कि जो है ऑफ़र भी रहता है और टाइम भी बचता है। तो देखें, बच्चे एकदम थक के बैठ गए हैं यहाँ, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फाइनली हम लोग ने जो है टिकट लेके अंदर आ गए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वो काउंटर है जहाँ पे हम लोगों को स्पेशल क्लोथ्स मिलते हैं अंदर स्नो में जाने के लिए, जैसे कि स्नो बूट है, जैकेट्स, हेलमेट, सॉक्स, ग्लव्स, ये सब पैकेज में इंक्लूड रहता है। यहाँ पे हम अपना कॉस्ट्यूम नाप के देख रहे थे कि कौन सा साइज सही रहता है, तो यहाँ फलक जो है वो नाप रही अफ़ान को। और देखिए, औरतों के लिए जो है ना स्पेशल कॉस्ट्यूम रहता है, जैसे अगर वो नहीं चाहती हैं पैंट शर्ट पहनना अबाया के ऊपर, तो उन लोग जो है इस टाइप का लॉन्ग जैकेट पहन सकती हैं। और ये जो शूज़ है ना, ये सबको एक जैसा ही मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं अपना शूज़ जो है वो चेक कर रही थी, तो ये शूज़ जो है ना स्नो बूट्स हम लोगों को कंपल्सरी अंदर पहन के जाना, ताकि स्नो में चलने में आसानी हो। और यहाँ पे देखें, बच्चे भी सब रेडी हो गए हैं, तो आरिस जो है ना वो फर्स्ट टाइम जा रहा है अंदर, क्योंकि चिल्ड्रन अंडर 3 इयर्स अलाउड नहीं है। अच्छा, और 13 इयर्स के अंडर के जो बच्चे होते हैं ना एज के, तो उनको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। सो एक बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करके अब हम एंटर हो रहे हैं स्नो पार्क के अंदर, और बहुत सब बच्चे एकदम एक्साइटेड हैं। बच्चे यहाँ बाहर ही जो है एकदम एंट्रेंस पे स्नो फेंकना स्टार्ट हो गए थे। मैं लोग कब से कह रही थी अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर बहुत सारी अट्रैक्टिव राइड्स हैं तो जो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उन लोग तो बस उन लोग यहीं खेलने में इतने बिजी थे। हम लोगों ने जो पैकेज लिया था ना, वो है स्नो क्लासिक पैकेज, और ये हम लोगों को 250 दिरहम ईच पड़ा था। और ये जो हम लोग का पैकेज है ना, ये फुल डे का था, मतलब हम लोग पूरे दिन चाहे तो जो है स्की दुबई में रह सकते हैं। और अगर आप 2 घंटे वाला लेना चाहें ना, तो वो भी ले सकते हैं, तो वो थोड़े कम पैसे में मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो है राइड्स इन्जॉय करना स्टार्ट करी थी, तो ये वाली राइड जो है ना, ये हम लोग के पैकेज में इंक्लूड है, और अनलिमिटेड टाइम्स हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अफ़ान आया है स्लाइड करके ऊपर से। अफ़ान, इसकी बात कौन आ रहा है? मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितनी राइड्स जो है ना कैमरे के साथ कैप्चर कर सकती हूँ ना, मैं करूंगी। और यहाँ पे ना प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो आपकी फोटो लेंगे। आरिस, मजा आई यहाँ स्की दुबई का टेम्परेचर है ना, वो -1 से लेके -4 डिग्री के बीच में रहता है। मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग को 1-2 घंटा तो ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जो है ना ऐसी कुल्फी जमना स्टार्ट हो गई थी, मतलब हाथ पैर गल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी राइड कर रहे हैं, और यहाँ पे ना एलिवेटर से हम लोगों को ट्यूब लेके ऊपर आना होता है, और उसके बाद ये सिंगल डबल दोनों में मिलता है। अगर कोई सिंगल जाना चाहे तो सिंगल जाएगा। तो ये देखिए, फलक खींच के ऊपर लेके आइए डबल वाला ट्यूब। अफ़ान, यहाँ एक चीज़ ये अच्छी है ना कि छोटे बच्चे भी ना ज़्यादातर सारी राइड्स में अलाउड हैं। तो आरिस का बड़ा मसला होता था हम लोगों को, हर जगह आरिस अलाउड नहीं रहता था कहीं पे, लेकिन यहाँ पे आरिस भी सब जगह एडल्ट्स के साथ जो है वो अलाउड था जाना। तो यहाँ सब बच्चे गए बारी बारी, बहुत मज़ा आई। और यहाँ पे ना मैं कैमरा लेके नहीं गई थी, क्योंकि वो आदमी कह रहा था कैमरा गिर जाएगा स्लाइड में, तो हस्बैंड शूट कर रहे हैं।
और फिर यहाँ ना एक और राइड थी, इसको जॉर्ब बॉल बोलते हैं, और ये भी ना हम लोग के पैकेज में इंक्लूड थी, इसका अलग से पे नहीं करना है। तो यहाँ पे ना एक सिस्टम बना हुआ है कि नीचे से जो है ये सारे बॉल्स ऊपर आते हैं मशीन से, और उसके बाद यहाँ पे ना हम लोगों को अंदर घुसना है 1% एट ए टाइम, और उसके बाद ये बॉल को ना ऊपर से फेंक देते हैं। इंसान उलट पुलट होके रह जाता है, चिल्लाता रहता है अंदर, और वो गोल गोल होके जाता है नीचे। बहुत मज़ा आती है, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इसमें जाने के लिए। सो ये देखिए, एक बॉल नीचे गया तो ये बॉल दूसरा वाला ऊपर आया है। अफान रेडी? अफान भी बिल्कुल मेरी तरह है, और बिल्कुल भी मेरे बच्चे जो है ना वो डरते नहीं। फलक, अफान, जईम, सब लोगों को राइड्स पे बहुत मज़ा आती है। तो ये देखिए अफान, बहुत मज़ा आई थी इसके ऊपर। और यहाँ पे ना बाकी बच्चे लाइन में लगे हुए थे, तो ये सब फलक के कजिन्स हैं। ले लो चश्मा, फलक यहाँ देखो। ये जॉर्ब बॉल में बैठने के लिए ना हाइट लिमिट है, और जो कि है 1.3 मीटर। तो आरिज इसमें अलाउड नहीं था क्योंकि वो 1 मीटर के नीचे है। सो अब मैं जा रही थी इसके अंदर, और ये वाला भी ना हमारे पैकेज में इंक्लूड है, और इसके अंदर भी ना हम लोग अनलिमिटेड टाइम्स जा सकते हैं। यहाँ अंदर आने के बाद है ना हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब हम लोगों को ना वुलन कैप लेके आना चाहिए था, क्योंकि अंदर आके ना 2 घंटे के बाद ना इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, मतलब नाक वाक एकदम लाल हो गई थी। तो आरिज और अफान छोटे बच्चे तो हेलमेट पहने थे तो फिर भी ठीक था, और हम औरतें भी स्कार्फ लगाई थी तो भी हम लोग के कान वान कवर थे, लेकिन जो हस्बैंड हैं और दूसरे सब आदमी लोग थे ना, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मतलब कुछ देर के बाद ना एकदम कुल्फ़ी जम रही थी। और यहाँ पे ना मैं आरिस को लेके आ गई थी छोटे बच्चों वाली राइड्स पे। छोटे बच्चों के लिए भी ना यहाँ पे 5-6 राइड्स हैं बहुत अच्छी अच्छी तो हस्बैंड लोग जो है ना वो लोग गए हैं एडल्ट्स वाली राइड पे, इसलिए मैं आरिस को यहाँ पे लेके आ गई थी। तो बस ये देखिए, ये छोटी सा जो है वो ट्यूब है, और उस पर आरिस को बैठा के उन लोग जो है पीछे से पुश करते हैं। तो ये भी बहुत मज़े का था, अनलिमिटेड टाइम आप कितने बार भी जो है ना बैठा सकते हैं बच्चों को। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये जो है ना इसका अलग से पास मिलता है, स्लोप डे पास बोलते हैं उसको। और यहाँ पे ना वही लोग जा सकते हैं, मतलब जिनको जो है स्कीइंग करना आता है वो लोग जा सकते हैं, या फिर जो लोग सीखना चाहते हैं ना तो उनका अलग से पे करना होता है ऑफकोर्स, और उसकी जो है ना अलग से क्लासेज होती हैं। तो यहाँ पर सिखाया भी जाता है, और जिनको आती है वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी सी जगह थी, एक तरफ से ऊपर जाते हैं और दूसरी तरफ से नीचे आ रहे थे, तो देख रहे हैं कि बहुत मज़े का लग रहा था। और यहाँ पे ना इसके ऊपर जो है वो चेयर लिफ्ट है, और जिसके अंदर हम लोग अभी जाने वाले हैं, तो ऊपर चल के जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो चेयर लिफ्ट होती है ना, ये हमारे पैकेज में इंक्लूड थी, और ये एक बार ही हम लोग कर सकते हैं पूरे अपने 1 डे के पैकेज में। हम लोग एक ही बार जो है इस चेयर लिफ्ट में जा सकते हैं। हे करो, आइस स्केटिंग आतिफ। एट ए टाइम एक चेयर लिफ्ट पे ना 4 लोग बैठ सकते हैं। तो फलक और आफान और आरिज और हस्बैंड बैठ गए थे, और मैं जईम के साथ बैठी थी, और मेरी मेट भी थी साथ में। ओ डेंजरस,
ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये स्नो बुलेट राइड है और ये हम लोग के पैकेज में नहीं इंक्लूड थी, थोड़ी जिप लाइन की तरह से होती है। ये देखो, ये देखो, मजा आ रहा है। हेलो, whoever behind me? और अफान, अफान। आरिस की नाक देखिए आप, एकदम ठंडक से एकदम लाल लाल हो गई थी। आरिस, और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और ऊपर से मैं आप लोगों को एक दफ़ा नीचे दिखाती हूँ। देखिए पूरी स्नो ही स्नो है, मतलब किसी स्विट्ज़रलैंड से जो है कम नहीं लग रहा था। मेरा तो ड्रीम है, मैं कब जाऊँगी स्विट्ज़रलैंड। तो हस्बैंड कह रहे थे कि लो तुमको मैंने स्विट्ज़रलैंड घुमा दिया यहीं दुबई में। और अब है ना, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना बाहर निकल के आ गए थे स्नो पार्क से। यहाँ पे स्नो नहीं है, नॉर्मल है। तो बस हम लोगों को इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी और बच्चों को भी ना थोड़ी सी खांसी वैसी आने लगी थी, तो हम लोग डर गए। हम लोग बोले थोड़ा सा बाहर बैठते हैं, और थोड़ी इन लोग को भूख भी लग गई थी। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ बाहर बैठेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापस अंदर जाएंगे। तो अंदर है ना एक पेंगुइन शो होने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर देखो, बॉल बनाओ बड़ा सा, तुम भी बनाओ। आरिस, आरिस बॉल बनाओ, बड़ा सा बॉल बनाओ। हाँ, अब ऊपर फेंको बॉल, बॉल ऊपर फेंको। मजा आया? हाँ? ये स्नो बॉल है, इधर देखो स्नो बॉल है। हाँ? स्नो बॉल है। तो यहाँ फाइनली पेंगुइन्स जो हैं वो अपने परेड पे आ चुकी हैं। और पेंगुइन एनकाउंटर का ना अलग से पास होता है, मतलब कि अगर आप चाहते हैं पेंगुइन से मिलना तो फिर आप ना एक अलग से पास लेके अंदर जा सकते हैं, उनसे जो है फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं। और पेंगुइन्स जो है ना ये बहुत ट्रेंड हैं और बहुत फ्रेंडली होती हैं। और ये कोई ना नॉर्मल पेंगुइन्स नहीं, ये गेंटू पेंगुइन्स हैं जो कि थर्ड लार्जेस्ट पेंगुइन की स्पीसीज होती हैं। तो हम लोग ने तो कोई पेंगुइन एनकाउंटर का पास नहीं लिया था, मतलब हम लोग यहाँ बाहर से ही देख रहे थे, और वो भी मतलब काफ़ी नज़दीक है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सामने ही है, बस ये कि टच नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली पेंगुइन शो भी ख़त्म हो गया था, और अब जो है हम लोग बच्चों को मना रहे थे कि अब चलते हैं घर की तरफ, जो कि अभी भी इन लोगों का मन नहीं भरा है। बहुत इन लोगों को मज़ा आई। तो अगर आप लोग भी जो है ना स्कॉचिंग हीट से बचना चाहते हैं, और अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो एक चक्कर ज़रूर से स्की दुबई का लगाइएगा, वर्थ है एकदम, मतलब कि। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है हम दो हमारी चार व्लॉग्स। तो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।